तो ये बड़े शहर हैं, यहाँ पे बिहारियों को एक गाली की तरह देखा जाता है कहीं ना कहीं। मतलब पसंद नहीं है मेरे को बिहारी लोग, नहीं है। नहीं, मैं सबसे पहले सोचती हूँ इसके मुंह में पान है या नहीं है। बिहारी को देख, चावल चावल आते हैं। जैसे बिहार आता है ना तो लगता है बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर। जब बिहार का बारे में सवाल आता है तो बिहार का सबसे पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ के लोग जो वहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरे जगह में फॉर एम्प्लॉयमेंट रीजन्स, वहाँ का लेबर इश्यूज़, वहाँ पे खेती की ज़मीनें होते हुए भी वहाँ पे कृषि का लेवल कम है। व्हेन यू टॉक अबाउट बिहार इट्स लाइक पागलपन। लालू बिहार बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। बिहार बोले से एक बहुत पिछड़ा हुआ और डेवलपमेंट में कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये मुझे नज़र आता है। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। ड्यू टू पॉवर्टी उनकी इमेज ऐसी बन गई है कि लोगों को लगता है कि बहुत लाइक पिछड़ा टाइप पीपल है। जब भी हम अपने माइंड में बिहार के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसा इमेज आता है। पहले बिहारी का मतलब होता था जो लोग बिहार के रहने वाले हैं, बट अभी बिहारी का मतलब है गरीब, अनपढ़, गवार, बदतमीज, रेपिस्ट एक्सेट्रा। बट वाई? हमारे देश को आजाद हुए 75 ईयर्स हो गए हैं। इस टाइम में इंडिया ने काफी तरक्की करी। केरला, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, गोवा जैसे स्टेट ने काफी डेवलपमेंट किया, लेकिन इतने सालों बाद भी हमारी कंट्री में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ आज भी लोग गरीबी में हैं, जहाँ एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और उन्हीं बैकवर्ड स्टेट में एक नाम आता है बिहार का। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है बिहार के साथ जिस वजह से वो आज भी एक पिछड़े हुए राज्य के अंदर आता है? वो समझने से पहले थोड़ा सा बिहार के बारे में भी समझना पड़ेगा। तो झारखंड भी पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 15 नवंबर 2000 में इसको जो अलग कर दिया गया। तो अभी टोटल 94,000 किलोमीटर के अराउंड बिहार का जो टोटल एरिया है वो फैला हुआ है, जिसकी पॉपुलेशन करीब 13 करोड़ है, जो इंडिया में 3rd रैंक करता है पॉपुलेशन के मामले में। और हाँ, एक मेन बात, 58% जो बिहार की पॉपुलेशन है वो 25 की एज से नीचे है, यानी काफी यंग पीपल है वहाँ। एक रिपोर्ट के हिसाब से 51% बिहार की पॉपुलेशन गरीब है। एंशिएंट टाइम में बिहार इंडिया में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि आपको पता ही होगा मौर्यन और गुप्ता डायनेस्टी ने वहाँ रूल करा है। और एंशिएंट टाइम में एक इम्पोर्टेंट सेंटर भी था लर्निंग का, लोग दूर दूर से आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने। हिंदी, भोजपुरी, मैथिली लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है। अब बात करते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है, बिहार इतना अनडेवलप क्यों है? अभी के टाइम में बिहार में कोई भी बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज नहीं है, जिस वजह से रोजगार नहीं है, और इसलिए वहाँ से लोग माइग्रेट करके दूसरे शहरों में काम की तलाश में जाते हैं। 1952 में फ्राइड इक्वलाइजेशन पॉलिसी सरकार ने इंट्रोड्यूस करी, जिसमें जो भी मिनरल्स, कोल वगैरह था उसे ट्रांसपोर्टेशन सरकार ने सब्सिडाइज कर दिया था ताकि हर जगह इक्वल डेवलपमेंट हो। और उसमें बिहार और झारखंड एक ही था और काफी ज्यादा रिच था मिनरल्स में। जो भी इंडस्ट्री ओनर थे उन सब ने बिहार की जगह जो है कोस्टल एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करा ताकि वो वैसी बड़ी इजिली जो है ट्रेड कर सके, और कि ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी मिलती थी। तो इंडस्ट्री वालों ने इसका काफी ज्यादा फायदा उठाया। बिहार से काफी ज्यादा भर के भैया मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट करा, कोई ट्रांसपोर्टेशन भाई सस्ता पड़ता था, और इसी वजह से आज बिहार में कोई मेजर इंडस्ट्रीज नहीं है। Their homes completely submerged. These women are saving themselves by climbing onto makeshift bamboo rafts. तो इस तरीके से आप लोग केले के थंब पे क्यों जा रहे हैं? आप लोग देखते से न जाए थती है, दिखते से न जा रहे हैं, दिक्कत है तो जाए थती। गाँव में क्या है, पानी पूरा भरा हुआ है, सब तर भरल है, पानी डुबा है, दूरा पर कोई पानी डुबा है, न है उपाय कोई, तब ना पड़ती बेड़ा बना के तब जाए थे। और फिर बिहार की जो ज्योग्राफिक लोकेशन है उस वजह से भी वहाँ की जो ग्रोथ में काफी इफेक्ट पड़ता है। पहले की चारों तरफ भैया लैंड से घिरा हुआ है, मतलब जो बाय सी ट्रेड है वो तो हो ही नहीं सकता। और सेकंड, फ्लड। हर साल लाखों लोगों की लाइफ इफेक्ट होती है बाढ़ की वजह से। नेपाल के माउंटेन रीजन में हैवी रेनफॉल के कारण जो है पानी फ्लो होकर नीचे नदियों में आता है, और जिस वजह से हर साल फ्लड का सामना करना पड़ता है वहाँ के लोगों को। अब देखो पॉपुलेशन रेट काफी हाई है, एवरेज परिवार में 4 से 5 बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, और जो लिटरेसी रेट है वो काफी कम है। इन दीदी को तो आप जानते ही होंगे, ये है बिहार के टॉपर। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? बेसिकली एजुकेशन के मामले में काफी धांधलेबाजी होती है वहाँ, और जहाँ प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, और जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो वहाँ गरीबी तो होनी ही है। जहाँ की सरकार ही अनपढ़ होगी तो जनता को वो कहाँ से एजुकेटेड बना पाएगी। रबड़ी देवी को तो आप जानते ही होगी भाई, जो अंगूठा छापती, लालू यादव की वाइफ थी, वहाँ इन जैसे लोगों को वोट दिए जाते हैं। बेसिकली बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स काफी ज्यादा होता है, मतलब अपनी कास्ट वाले बंदों को भाई वोट देना। इन जैसे लोगों ने सिर्फ अपनी जेब भरी है। एक तरफ लोगों के पास साफ पानी पीने तक नहीं होता, और दूसरी तरफ ये नेता अपने पर्सनल फंक्शन में पानी की तरह पैसा बहाते हैं। इस आदमी का काफी बड़ा हाथ है पूरे बिहार की रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाने का, जिस वजह से बिहार के लोगों को आज एक मजाक के रूप में देखा जाता है। एवरीबॉडी इज एप्रिशिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। Each and every year I have earned crores and crores every day. लालू यादव नाम तो सुने ही होंगे, काफी सारे बड़े स्कैम करे, जिसमें से एक फोडर स्कैम जिसमें करीब 950 करोड़ का घोटाला करा गया, और ऐसे ही काफी झोलमाल करे इन भाई साहब ने। इस बंदे में दिमाग तो वैसे काफी है, पर सारा दिमाग सिर्फ घोटाले करने में ही लगाया है। अपने सब जान पहचान वालों को बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी गई। बेसिकली बिहार में सिर्फ इन जैसे करप्शन खोर लोगों का ही विकास हो रहा है। अब बिहार से रिलेटेड एक बात और काफी इंटरेस्टेड है, हर साल बिहार से काफी IAS IPS निकलते हैं। वैसे तो वहाँ का एजुकेशन कुछ खास नहीं है, पर दूसरी तरफ गवर्नमेंट एग्जाम वही के लोग ज्यादा क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है गरीब फैमिली से आते हैं, और वहाँ कोई बड़ी बड़ी MNC ये ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती, और वो लोग कोई पब ये पार्टीज नहीं करते हैं जैसे कि दिल्ली में होता है। इसलिए मैक्सिमम सिर्फ लोग भैया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ताकि अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सके। गवर्नमेंट जॉब से काफी बेनिफिट्स होता है उनको, लाइक पावर मिलता है, पैसा मिलता है। हर साल 3 से 4 लाख कैंडिडेट्स बिहार से अपीयर होते UPSC SSC के लिए, तो इसी वजह से बिहार से इतनी ज्यादा IAS IPS निकल आते हैं। अब देखो और भी कुछ चीजें है जिस वजह से भाई बिहार की जो रेपुटेशन है वो खराब है। लाइक जो भोजपुरी सॉन्ग्स हो गए, मूवीज हो गए, उनमें काफी ज्यादा वल्गैरिटी दिखाते हैं, और वहाँ के लोगों का एक्सेंट यानी जिस तरह से वो प्रोनाउंस करते हैं किसी भी चीज को, उस वजह से उनका जो भाई काफी मजाक उड़ाया जाता है। सड़कों पे लोग खुलेआम टॉयलेट करते हैं, चलो भाई ये तो आम बात है। वहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है वो भी बहुत भाई खराब है, यानी दहेज प्रथा वहाँ आज भी चालू है। सरकारी नौकरी वाले लड़कों के भाई रेट लगते हैं, यानी कितना दहेज मिलेगा, और आज भी गांव में कास्ट का भेदभाव किया जाता है। वहाँ के लोग सरकार के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाते हैं, जितने भी सरकारी ऑफिसर वहाँ मिलेंगे मैक्सिमम करप्ट होते हैं। और अब दोस्त मैं इन एंड यही बोलना चाहूंगा कि जब तक यार लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे ना, तो तब तक तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। और इसमें एक बात मैं जरूर बोलूंगा, बिहार के लोग काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, तो ये बात तो भाई आपको मानना ही पड़ेगा। तो आप सब अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में मुझे बताना कैसा वीडियो लगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।